नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गए खबरें फटाफट का। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल। नक्सलियों के बैनर पोस्टर हटाने के दौरान हुआ धमाका। मुख्यमंत्री योगी व कैबिनेट मंत्री सिंधिया ने निर्माणाधीन राम मंदिर व एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। 250 करोड़ के फर्जीवाड़े में बैंक के पूर्व चेयरमैन समेत 2 पर शिकंजा। 187 करोड़ की नकदी हुई जब्त। आदित्य L1 मिशन को मिली एक और कामयाबी। इसरो ने एक्टिव किया सैटेलाइट में लगा विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। दिल्ली में कोहरे प्रदूषण का डबल अटैक। खराब मौसम के चलते इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को डाइवर्ट किए गए 18 फ्लाइट। नागार्जुन सागर बांध को लेकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टेंशन। टकराव रोकने के लिए केंद्र में डैम पर तैनात किए गए सीआरपीएफ जवान। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे आने से पहले बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर महादेव ऐप पर बैन लगाने की मांग। मुंबई में राडो और ओमेना जैसे कई ब्रांड नाम पर गोरखधंधा। 1500 से ज्यादा नकली घड़ियां जब्त। करोड़ों में है कीमत। पंजाब के संगरूर में दूषित खाना खाने से स्कूल के 74 बच्चे बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। अभिभावकों का फूटा गुस्सा। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित एक ही मॉल में 6 स्पा सेंटर। सब में चल रहा देह व्यापार। पुलिस देखते ही आपत्तिजनक हालत में भागने लगी 21 सड़कें और 44 सड़कियां। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सबसे पहले संतों को आमंत्रित किया गया। समारोह में देश भर के करीब 4000 संत होंगे एकत्रित। 5 साल में बिना खर्च रह गए 4.76 लाख करोड़ रुपए। यूपी विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रतलाम जिले में ताल थाने के सामने हुआ दलदला देने वाला मामला। असम के युवक ने खुद का ब्लेड से काटा गला। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक ही अनोखा विवाह संपन्न हुआ। यहां एक ही दूल्हे ने 2 दुल्हन के संग एक ही मंडप में एक ही साथ लिए साथ फिरे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से भर्ती हो गई थी 50 कर्मचारी। सभी पर ही लिया गया कड़ा एक्शन। प्रयागराज में शादी से 2 दिन पहले युवती की गला रेत कर बेरहमी से हत्या। तालाब किनारे मिली खून से सनी हुई लाश। मुंबई के सिनेमाघरों में रात 2 बजे तक चलेंगे एनिमल के शो। फैंस की डिमांड बढ़ने के कारण लिया गया फैसला। टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समर्थकों में छिड़ी जुबानी जंग। जहां सौगात राय ने कहा कि टीएमसी में 75 साल तक ही चुनाव लड़ने जैसा कोई नियम नहीं है। तमिलनाडु में ईडी अफसर के 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में 10,000 बकरों की बलि पर रोक लगाने से किया इनकार। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।